हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी 12 साइंस के बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 6 पर पहुंच चुके हैं। पार्ट 6 को शुरू करने से पहले मैं आपको पार्ट 5 के टॉपिक्स पर थोड़ा सा रिकैप करूं। प्रीवियस क्लास में हमने यानी पार्ट 5 में हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है। साथ ही साथ हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नर्न्स्ट इक्वेशन में एक रिलेशन फाइंड किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने आपको बताया था। आई होप कि आपको प्रीवियस क्लास का पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ आज पार्ट 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम में हमने इस टॉपिक को चर्चा नहीं कर पाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो आज हमारा जो पार्ट है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के टॉपिक पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो आप जानते हैं, गिव्स एनर्जी क्या होता है। तो हर एक रिएक्शन की अपनी गिव्स एनर्जी होती है। गिव्स एनर्जी बिल्कुल नया नहीं है, आप थर्मोडायनेमिक में ये गिव्स एनर्जी पर हम लोग चर्चा कर रखे हैं। गिव्स एनर्जी मतलब किसी सिस्टम के पास यूजफुल वर्क करने की जो उसके पास एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहते हैं गिव्स एनर्जी। ओके, हर सिस्टम के पास अपनी गिव्स एनर्जी होती है जो उस काम को स्वतंत्र रूप से कर सकता हो अपने महत्वपूर्ण कामों में एनर्जी देकर। तो यूजफुल वर्क करने की यह एनर्जी कहलाता है गिव्स एनर्जी। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का चर्चा किए हैं। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में, जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किधर से किधर होता है अच्छी तरह याद होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो NO2 कैथोड और करेंट का फ्लो बोलिए कैथोड टू NO, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन का आवागमन होगा, जब चार्ज ट्रांसफर होगा किसी एक्सटर्नल वायर के थ्रू से, पोटेंशियल राइज होगा तो सिस्टम के द्वारा वर्कडन तो होगा ना, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो एनर्जी क्या कहलाता है, एज ए इलेक्ट्रिकल वर्कडन। और उसी इलेक्ट्रिकल वर्कडन को हम कह सकते हैं गिव्स एनर्जी। चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले फाइंड करना चाहेंगे आखिर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कितना इलेक्ट्रिकल वर्कडन प्रोड्यूस होता है। द इलेक्ट्रिकल वर्कडन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड द इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल वायर। आपको अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है V W = V * Q या V = W / Q, पोटेंशियल इक्वल टू वर्कडन बाय चार्ज या वर्कडन इक्वल टू पोटेंशियल * चार्ज। बस वही बात हम यहाँ कह रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल वर्क और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ EMF ऑफ द सेल। EMF मतलब दो हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड द इलेक्ट्रिकल चार्ज और वो चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसी एक्सटर्नल वायर के जरिए। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्कडन के बराबर हो जाएगा क्या, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्कडन इक्वल टू EMF into इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। W इक्वल टू V into Q, here V इज द EMF ऑफ द सेल और Q एज द इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। ओके, नाउ द ट्रांसफरेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सवाल उठता है कि कितना इलेक्ट्रिकल वर्कडन होगा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन कितना उसमें भाग ले रहा है, यानी उस वायर के थ्रू से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एनोड टू कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन उसमें भाग ले रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि मान लो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर 1 फैराडे। अब जब एक मोल का इलेक्ट्रॉन जितनी यदि उसमें वायर के थ्रू से यदि फ्लो हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराडे। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1 फैराडे और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होगी 96,500। आपको याद होगा हमने किसी पार्ट में कहा था कि हम आगे जाके 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम कैसे होता, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी हम फैराडेज लॉ जब पढ़ेंगे तो आप हम ये बात क्लियर कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा सोचिए वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96,500 के कूलम के बराबर कैसे होगा। वन मोल का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हो मोल क्या होता है। मोल एज ए नंबर 6.0 22 into 10 to the power 23 एज ए वन मोल।
और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, राइट। और वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वन मोल इलेक्ट्रॉन की मतलब यही हुआ कि उसमें 6.022 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं क्योंकि चार्ज क्वांटाइजेशन होता है, क्वांटाइज प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करोगे वन मोल से, यानी 6.022 × 10⁻⁴ बोले कितना 23 से, तो आपका लगभग 96,500 कूलम्ब मिलेगा। मैं बता दूं कि 96,500 एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, मतलब इसको राउंड ऑफ करके रखा गया है, लेकिन इसका वैल्यू आप पाओगे 95,700 या 800 समथिंग, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके इसका वैल्यू को माना गया है 96,500। तो वन फैराडे का मतलब है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तेल रिएक्शन में वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग लेता हो तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस वायर पर कितना फ्लो होगा, वन फैराडे, और वन फैराडे का मतलब है स्टूडेंट 96,500 कूलम्ब। ओके, लेकिन हर सेल रिएक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग भाग लेता है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन, किसी में दो इलेक्ट्रॉन, किसी में थ्री इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स मान लिया जाए एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एज अ नंबर ऑफ मोल, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर इन द सेल रिएक्शन। मान लो किसी सेल रिएक्शन में एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो आप जानते हैं कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 96,500, तो एन मोल का इलेक्ट्रॉन कितना एन एफ होगा, यानी एन इंटू 96,500, राइट। तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर कितना होगा, एन इंटू एफ। ओके, नाउ यदि मान लिया जाए हमारा सेल का ई एम एफ ई सेल है, क्योंकि हम सेल का ई एम एफ को ई सेल से लिखते हैं, तो इफ ई सेल इज द ई एम एफ ऑफ द सेल, देन द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू टोटल चार्ज, दिस इज द चार्ज, कितना चार्ज, एन एफ, और दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द ई एम एफ ऑफ द सेल ई सेल, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू एन एफ इंटू ई सेल। ये हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू सेल रिएक्शन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ इन अदर वर्ड द डिक्रीज ऑफ दिस एनर्जी, स्टूडेंट जब ये रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होता है। ओके, यानी इसको करने के लिए किसी बाहर से किसी का एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है उसका जो यूजफुल वर्कडन होता है उसकी गिस फ्री एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। आपको याद होगा नेगेटिव गिस फ्री एनर्जी का मतलब हुआ प्रोसेस कैसा स्पॉन्टेनियस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल वर्कडन जो हुआ वो सिस्टम के द्वारा हुआ, सिस्टम का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा हुआ, और उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कितना हुआ, माइनस डी जी। हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने यूजफुल वर्कडन किया ऑफ द सेल रिएक्शन, प्रोवाइड द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्कडन, जिससे हम कितना जितना आपका इलेक्ट्रिकल वर्कडन होगा उतना ही सिस्टम के द्वारा वो यूजफुल वर्क होगा, दैट मीन्स डिक्रीज ऑफ गिब्स एनर्जी होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रिकल वर्कडन की जगह हम चाहें तो अब माइनस डेल जी लिख सकते हैं। तो ना, चलिए मैं एक बार फिर समझा दूं। मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब सेल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिकल वर्कडन होता है, प्रोसेस चूंकि स्पॉन्टेनियस है तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपका जो यूजफुल वर्कडन हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल वर्कडन जो हो रहा है, और वो जो वर्कडन जो है एक गिब्स एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और ये गिब्स एनर्जी जो है डिक्रीज कर रहा है, है ना, सेल रिएक्शन में, और वही मेजर करेगा हमारे इलेक्ट्रिकल वर्कडन को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइनस डेल जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्कडन। ओके, जितना इलेक्ट्रिकल वर्कडन सिस्टम के द्वारा उतना ही हमारा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दैट माइनस रिप्रेजेंट डिक्रीज ऑफ गिब्स एनर्जी, दैट इंडिकेट स्पॉन्टेनियस नेचर। ओके, नाउ अब बताइए इलेक्ट्रिकल वर्कडन एन एफ ई सेल है, तो हम यहाँ लिख दें एन एफ ई सेल। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं और में डेल जी इस नेगेटिव को इधर ले आइए तो हो जाएगा डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। बताइए इस डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा, लेकिन कब, जब ई सेल की वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा सेल का ई एम एफ कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव। जब वो स्पॉन्टेनियस है तो ई सेल की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए स्टूडेंट, पॉजिटिव होना चाहिए, आपको मालूम है। तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, एन एज ए नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 96,500 कूलम्ब, और ये हमारा ई सेल, ई सेल मतलब ई एम एफ ऑफ द सेल। ओके, यदि इसी एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, स्टैंडर्ड कंडीशन से लिखना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल, हमारे सेल तो कई सारे हैं, डेनियल गैलवेरी से जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड से कैथोड एनोड का इमर्जन यूज होता है,
द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आर यूज. अब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या यूज करेंगे. देयरफॉर स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज इज गिवन बाय, बताइए क्या लिखे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेल जी डिग्री इक्वल टू माइनस एन एफ ए डिग्री से. डेल जी डिग्री रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एज ए डिग्री सेल, और डेल जी डिग्री हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड, है ना. तो गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस एन एफ ए डिग्री. अब ये एक्सप्रेशन हम लोग का बहुत ही काम का है. इस एक्सप्रेशन से कोई भी सेल रिएक्शन का, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो हमारा सेल है वो फिजिबल है या अनफिजिबल है, मतलब उसमें रिडॉक्सेशन होगा या नहीं होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल वर्कडाउन प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ये मालूम हम आराम से कर सकते हैं. डेल जी की वैल्यू मोस्ट भी नेगेटिव, जब ये डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आता है तो समझ जाओ वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, और स्पॉन्टेनियस का मतलब उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल वर्कडाउन प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा. क्योंकि ऐसी गलतियां हो सकती हैं कि हम एनोड को गलती से कैथोड मान लें और कैथोड को गलती से हम एनोड मान लें, तो कभी भी आपका डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगा. आप कर सकते हैं ऐसा न्यूमेरिकल में, आप उल्टा मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा. जब ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल जी जहां पॉजिटिव आ गया समझ जाओ वो प्रोसेस फिजिबल नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. ओके चलिए, तो डेल जी डी को हम लोग को क्या मिला, माइनस एन एफ ए डिग्री से. ओके अब बताइए इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, इसका हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं. तो देख लीजिए, इट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन. सबसे पहले ये बताता है कि जो सेल रिएक्शन जो कहा जा रहा है, जिन्होंने बताया कि ये सेल रिएक्शन इसमें ऐसा होगा, ये आप इस इक्वेशन के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि वो जो सेल रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं. कहने का मतलब, यदि हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एनोड, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कैथोड, लेकिन यदि उल्टा मान लें, जैसे हम जिंक को एनोड मानते हैं और कॉपर को कैथोड मानते हैं एज ए गैल्वेनिक सेल, लेकिन यदि उल्टा कर दें तो उल्टा करने से आप देखोगे कि वो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वैसे केस में डेल जी डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि सेल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो सेल रिएक्शन हो रहा है वो फिजिबल है या अनफिजिबल है. ओके नाउ फॉर द सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी की वैल्यू मस्ट बी नेगेटिव, एंड फॉर डेल जी टू बी नेगेटिव द वैल्यू ऑफ ई सेल ई मस्ट बी पॉजिटिव. ई हमारा पॉजिटिव होगा तभी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगा. ओके तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ डिग्री से. तो स्टूडेंट यही था इलेक्ट्रोकेमिकल से एंड गिव्स एनर्जी, ये रिलेशन आप भूलेंगे नहीं. इस रिलेशन का सबसे मेन यूज होता है इसका न्यूमेरिकल, तो आप इसका न्यूमेरिकल आप बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, थोड़ी देर में आपको न्यूमेरिकल में हम ले जाएंगे. लेकिन उससे पहले एक और बात, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जैसे हमने प्रीवियस क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड करना सीखा था बाय यूजिंग नॉन्स इक्वेशन, याद है ना, नॉन्स इक्वेशन की सहायता से हम आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको बताए थे. यदि आप भूल गए हैं तो प्रीवियस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, याद हो जाएगा. तो हम यहां बताने आपको ये जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है. चलिए देखते हैं. As you know that the standard free energy change in related to equilibrium constant as del z equal to minus RK log n k. ऐसा लिख सकते हैं del z equal to minus RT into log n k. अभी कैसे लिखें, अभी आप देखे थे कि del z equal to क्या आया था minus n f a डिग्री से, और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं del z equal to minus RT into log n k. Also del z equal to minus n f a डिग्री से, है ना. हम पिछले क्लास में ईच सेल का हम एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करना सिखाए थे, तो उसको देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग इन केसी कैसे होगा. आप इसे चाहे तो लॉग इन को हटाकर 2.3 डिग्री लॉग केसी लिख सकते हैं. क्या बोला हमने, हमने कहा कि लॉग इन केसी की जगह आप चाहो तो 2.303 बोले क्या लॉग केसी लिख सकते हैं. ओके तो ये डेल जी इक्वल टू हम ये भी जानते हैं माइनस एन एफ ए डिग्री सेल होता है. ओके यदि ऐसा होता है स्टूडेंट तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं. माइनस एन एफ ए डिग्री सेल इक्वल टू लिख सकते हैं बोलिए क्या माइनस आर टी लॉग इन के सी, माइनस माइनस कैंसल.
तो बताइए लॉग एन केसी को हमने लिख दिया 2.303, चूंकि लॉग एन केसी का मतलब 2.30 लॉग केसी, तो 2.303 आर की लॉग केसी पर सीमित गया है, यानी लॉग केसी होगा। ओके चलिए, तो इस तरह हम लोग एक रिलेशन मिला, ए डिग्री सेल इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग केसी होगा ना, ए डिग्री सेल एन एफ नीचे आ गया, तो ए डिग्री सेल इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ। आर क्या है आपको मालूम है, आर की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए और टी का वैल्यू भी आप जानते हैं, और जब इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट 0.0591 होता है, ये भी आप जानते हैं। यदि हम 2.303 रखें, आर की वैल्यू रखें, टी की वैल्यू 298 केल्विन रखें, एफ की वैल्यू रखें, है ना, तो हम आराम से 0.0591 भी यहाँ लिख सकते हैं लॉग के। ओके चलिए, तो ये रिलेशन जो है बहुत ही काम का है, ये आप लोग को न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, यानी इस रिलेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दो रिलेशन यहाँ पर याद रखना है स्टूडेंट, एक रिलेशन आपका जो अभी दिख रहा है और एक रिलेशन जो आप अभी थोड़ी देर पहले बताएं, डेल जी डी इक्वल टू माइनस टेन एफ ए डिग्री से। ओके तो चलिए थोड़ा न्यूमेरिकल की ओर आते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल एट 298 केल्विन। मान लो एक गैल्वेनिक सेल में ये रिएक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम 3+ आयन 1 मोलरिटी का कॉन्सेंट्रेशन है, और जिंक 2+ टू जिंक ये भी 1 मोलरिटी का, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों है, क्योंकि दोनों का हाफ रिएक्शन में, दोनों के हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलरिटी का है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी है 298 केल्विन। हमें यहाँ पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड करना है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू और साथ ही फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो। ओके नाउ चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया, तो इस रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा, दिस इज द एनोड और दिस इज द कैथोड। ओके कॉन्सेंट्रेशन दोनों का गिवन है और हमें फाइंड करना है गिब्स फ्री एनर्जी। लेकिन देखिए स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 भाग ले रहा, तो हम पहला काम क्या करते हैं पता है ना, जब दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो तो पहले इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके उसका नंबर ऑफ कॉमन इलेक्ट्रॉन निकल पाता है और तभी जाकर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम और जिंक कितना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एल्युमिनियम और जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अवेलेबल एग्जाम में नहीं होता है। नहीं समझे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही ना सबका वैल्यू में पता चलता है, यदि आप उस सीरीज में देखोगे तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मालूम हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट में गिवन दिया रहता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ओके तो सबसे पहला काम हम स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल एल्युमिनियम और जिंक का जाने, जो हमारे सीरीज में दिया हुआ है, एल्युमिनियम का -1.66 और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है -0.76। ओके अब चलिए आगे का स्टेप में जाते हैं, तो हम आराम से अब ई डिग्री सेल निकाल सकते हैं, ई डिग्री आर माइनस ई डिग्री एल। ई डिग्री आर क्या है मालूम होना चाहिए, ए डिग्री कैथोड यानी राइट साइड और ए डिग्री एनोड लेफ्ट साइड, यानी कैथोड और ये एनोड, ए डिग्री कैथोड माइनस ए डिग्री एनोड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड ऑफ हाफ सेल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हाफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। वैल्यू पुट कर दिया जाए तो जब वैल्यू पुट कर दिए दोनों को -1+ और इस तरह रिजल्ट आया 0.90 वोल्ट। ये क्या निकला, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कितना 0.90 वोल्ट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ए डिग्री सेल तो निकल गया, अब हम करेंगे रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। जैसे हमने कहा था कि इस रिएक्शन में दोनों हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर भाग नहीं ले रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैसे करते पता है ना, इक्वेट करके, तो हम डायरेक्ट कर दिए, आप खुद कर सकते हैं, एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम 3+ और जिंक 2+ टू जिंक, हमने इक्वेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो हम पाए 2 एल्युमिनियम 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 मोल ऑफ जिंक आए, 3 मोल ऑफ जिंक एंड 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम आए। ओके चलिए ये हमारा बैलेंस हो गया और आप देख सकते हैं इसमें कॉमन इलेक्ट्रॉन 6 है, कॉमन इलेक्ट्रॉन 6 है, जब इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो आप पाएंगे 3 2 6 या 2 3 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे, देखिए 3 2 6 और 2 3 6। ओके तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहा है, इसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 6 कैसे हुआ। ओके चलिए तो ये 6 आपके इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहा है इस रिएक्शन में, अब हम फॉर्मलाइज करेंगे और फॉर्मलाइज करके एक मिनट थोड़ा सा कंटिन्यू
तो हम लोग इस तरह का काम कर लिए हैं। हम लोग अभी जस्ट क्या फाइन किए हैं, पहले एडीसी सेल फाइन कर चुके हैं और बैलेंस इक्वेशन में हमने लिख दिया और पता लग गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भाग ले रहा है, सिक्स भाग ले रहा है। ओके जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा इसमें जंप सेट किए हैं, उस साथ कुछ इधर आ गया है। लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग को ये पता चल गया इसमें बैलेंस करने के बाद से नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, क्लियर है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल चुका है तो हमें इस क्वेश्चन पूछ रहा है दो काम, दो चीज पूछ रहा है, एक उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी और दूसरा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। तो चलिए अभी हम लोग दो चीज पता लगा चुके हैं, एक उसकी ई डिग्री सेल और दूसरा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग रिलेशन का यूज करेंगे, रिलेशन हम जानते हैं डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है। हमारे पास एन पता चल चुका है, एन कितना सिक्स, एफ हमारा वैल्यू आप जानते हैं 96,500 और सेल का जो ईएमएफ निकल चुका है स्टैंडर्ड ईएमएफ ये भी आपको मालूम है। तो चलिए एन तो हमारा सिक्स दिया ही हुआ, एफ हमें पता ही है, ए डिग्री सेल की वैल्यू 0.90 वोल्ट अभी जस्ट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम इस सारे वैल्यूज को पुट कर दिए इस इक्वेशन में, माइनस सिक्स इंटू 96,500 इंटू 0.90 आफ्टर मल्टीप्लाई वी गेट ए रिजल्ट माइनस 521 किलो जूल। तो बताइए डेल जी की वैल्यू कितना मिला हमें, डेल जी की वैल्यू हमें माइनस 521 किलो जूल मिला। ये नेगेटिव साइन आने का मतलब हुआ कि यह आंसर हमारा सही है और ये हमारा सेल रिएक्शन फिजिबल है, मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल साइन में जो फिजिबल या अनफिजिबल होगा तो हम बोलेंगे फिजिबल है। फिजिबल मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेल जी तो फाइंड हो चुका है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक और चीज पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ओके चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया जाए। हमने एक रिलेशन थोड़ी देर पहले फाइंड किया था, ई डिग्री सेल इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के टी। थोड़ा लॉगरिथम का यहाँ फंडा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग ऑन रीअरेंजिंग एट 298 केल्विन, यदि हम रीअरेंज कर दें सारे वैल्यूज को पुट कर दें तो हो जाएगा लॉग के टी इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है तो लेफ्ट ले आए, बाकी सारे राइट साइड में ए डिग्री सेल क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए डिग्री सेल इंटू एन बाय 0.059। कैसे हुआ समझ में आया, जरा सा देखिए 0.059 कहां से आया, 2.303 आर का वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ का वैल्यू पुट तो मतलब रखने के बाद ये 0.059, आप चाहते हैं 1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो लॉग के सी का वैल्यू आपका फाइंड करना है और ये एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी आपको बताया, हम पहले भी बताए थे पिछले प्रीवियस क्लास में। अब ई डिग्री सेल हमें पता है 0.90, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइड बाय 0.059, तो लॉग केसी की वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट, 91.525। क्या ये आंसर है, नहीं, ये लॉग केसी की वैल्यू है। हमें फाइंड करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमें क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉग केसी की वैल्यू हमें मालूम सब पता चल चुका 91.525, अब हमें फाइंड करना है केसी की वैल्यू, दैट मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसका एंटी लॉग होगा, तो केस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91.525 बाय 1 लॉग, तो 1 लॉग को हम बोलते हैं एंटी लॉग और एंटी लॉग 91.525 को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट। यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोग का, क्या प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, चूंकि यहां जस्ट नहीं, क्योंकि यहां आपको क्या समस्या होगा, यहां पर एंटी लॉग 91.525 का वैल्यू आपको ज्ञात नहीं है कि सर ये 91. जो आपने कहा लॉग एंटी लॉग 91.525 इसकी क्या वैल्यू है, तो लॉगरिथम टेबल में एंटी लॉग 91.525 का वैल्यू होता है 3.350 इंटू 10^90। अब यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग घबराओगे कि सर ये वैल्यू कैसे आया, कहाँ से आया, डोंट वरी, आपके बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला जिसमें आपको लॉगरिथम का जरूरत पड़े। यदि लॉगरिथम का जरूरत पड़ेगा तो आपको क्वेश्चन में ही आपका इंडिकेशन किया रहेगा ब्रैकेट में कि एंटी लॉग 91.525 का वैल्यू आपका इतना होता है। ओके इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं जिसका कॉमन लॉगरिथम में हम जिसका वैल्यू जानते हैं या जिसका नहीं जानते हैं उसका क्वेश्चन में आपका उस लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो एंटी लॉग करके हम इस रिजल्ट को पाएं कितना, 3.350 इंटू 10^91, दिस इज द आंसर। ओके तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लॉग केसी वाले पेड प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डेल जी डेल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, अभी तक न्यूमेरिकल बोर्ड में जो भी आया है गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करने तक ही आया जो अभी आपने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। ओके ये वाला जो आंसर आपको आया था -521 किलो जूल। ओके तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग का बन जाना चाहिए,
क्या गारंटी बन जाएगा। तो चलिए हम दो तीन क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग घर में सॉल्व कीजिएगा। ओके चलिए एक बात और, हमने देखा कि ई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई सेल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और डेल्स की वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि उसमें स्पॉन्टेनियस नेचर है, तो यदि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो तो उसकी गिफ्ट एनर्जी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा और उस सेल का ई एम एफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक और तीसरा बात, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू 1 से बहुत ही ज्यादा होगा। ये तीन बात आप याद रखेंगे, काम आएगा आपके कॉम्पिटिशन में। तो सेल का ई एम एफ पॉजिटिव लेंगे, डेल्स की वैल्यू नेगेटिव होगा और इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लास्ट टाइम में आप लोग हम कुछ न्यूमेरिकल दे रहे हैं और आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ना। एक क्वेश्चन बना, ये तीन क्वेश्चन आप देख रहे हैं डिस्प्ले किए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। आपका इससे कोई भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आएगा तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ। ओके, तो चलिए दो तीन क्वेश्चन बना लीजिए और बनाने का मन हो तो आप बुक में चले जाइए, बुक में आपके और भी ढेरों क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस में दिया हुआ है। हम चाहेंगे आप उस पर जाएं और इसके और भी न्यूमेरिकल को बनाएं। चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 7 के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। अब अगले पार्ट 8 में हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे, नए सेक्शन का स्टार्टिंग करेंगे और उस टॉपिक का नाम मैं बता दूं, अगले सेक्शन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करने वाले हैं। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उस इलेक्ट्रोलाइट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसके सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, कैथोड रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एनोड रिएक्शन कैसे लिखते हैं, और इसी के साथ शुरू हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले पार्ट में, जिसका नाम है फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां हम फैराडे के दो लॉ पर बात करेंगे और उस लॉ पर न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। लॉस तो इंपॉर्टेंट ही, इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इतना ही, घर में रहिए, अच्छा से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए और वीडियो को आप रिवाइज कर करके देखिए, समझ में बिल्कुल। थैंक यू, घर पर रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को इस लॉकडाउन ई पार्सल डीसी रामगढ़ से जुड़कर बनाए रखें।